बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर लगातार चिंतित हैं और अपने बयानों के माध्यम से सरकार से हिंदुओं को बचाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बीते रोज बागेश्वर धाम से सटे ग्राम रामनगर में पहुंचकर भी लोगों को हिंदू एकता के लिए जागृत किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि अपने बच्चों को सनातन धर्म की दीक्षा दें, सनातन धर्म के संस्कार सिखाएं और हिंदुओं के बीच मौजूद जाति वर्ग के भेद को मिटाकर सभी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आज जो हालात बांग्लादेश में हैं, ऐसे हालात भारत में न बने, इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदू अपने लिए एकजुट हों। सुनिए बांग्लादेश के मुद्दे पर एक बार फिर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा दिए गए इस बयान को। वर्तमान में जैसे एक देश है बगल में भारत के बगल में बांग्लादेश, बताए क्यों मालूम है? क्योंकि हिंदू कम है और इकट्ठे नहीं है। अपन लोग अब गांव गांव में मंगल शनिवार मंदिरों में इकट्ठो बैठो शुरू करने, ताकि धर्म विरोधी अपने मकान न छोड़ा रहा। और तो सीधे मकान न छोड़ा रहे, ये दे नहीं छोड़ा पाऊं मैं, यहाँ खटली भर में है। मकान की नींव जितनी गहरी होगी उतना ही ऊंचा मकान बना सके। मकान की नींव जितनी गहरी होगी उतना ही ऊंचा मकान बन सकता है। ऐसे ही जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ, अपनी जमीन से जुड़े रहोगे तो